हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे शेयर से रिलेटेड बातें बताने जा रहा हूँ ना, जो कि बहुत बेहतरीन शेयर है। बहुत मतलब FMCG का HUL को हम कहते हैं कि हिंदुस्तानी यूनिलीवर जो शेयर है, ओके, जिसके जो प्रोडक्ट है बहुत वास्ट है, वो बहुत ज़्यादा डेट फ्री है और एक बहुत बड़ा शेयर है हम कहते हैं। बट जो इस शेयर से रिलेटेड मैं बातें करने वाला हूँ ना, मुझे लगता है कि वो HUL का भी बाप बन सकता है। आने वाले 5 से 10 और 15 साल में वो HUL का भी बाप बन के खड़ा हो सकता है। इतना बेहतरीन, इतना ज़बरदस्त शेयर है कि उसके रिटर्न्स HUL के सामने बहुत ज़्यादा है, बहुत बेहतरीन है, बहुत बड़े हैं। तो आइए इस शेयर से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है। एज वेल एज एक और बात बताना चाहता हूँ कि आप एंजल ब्रोकिंग के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन होगा, जिसमें डिलीवरी चार्जेस 0 है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो भी आपको केवल 20 रुपये ही देने पड़ेंगे, ज़्यादा नहीं। काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा इनका लेआउट है। और आप मेरे इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट फ्री में आपको ओपन होता हुआ नज़र आ जाएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जिस चीज़ से रूबरू कराना चाहता हूँ, तो सबसे पहले पता करना चाहता हूँ कि ये शेयर 52 वीक जो इसका लो था 380 रुपये पे, ये मार्च में मिल रहा था। 52 वीक हाई 990 रुपये पे ये शेयर अभी के लगभग सितंबर में चल रहा था, और अभी लगभग 900 रुपये के आसपास ये शेयर है। और डिलीवरीज की बात की जाए तो देखिए 60% की डिलीवरीज। ये एक ऐसा चुनिंदा और ऐसा बेहतरीन शेयर है ना कि बड़े बड़े लोग मतलब आपको टीवी पे बात करते हुए नहीं मिलेंगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बात करते हुए नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बड़े बड़े लोग ऐसे शेयर को खरीद खुद ही दबा के रखते हैं और हम रिटेल इन्वेस्टर के पास ये शेयर पहुँच ही नहीं पाते। तो इसका शेयर जैसे चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा ना आपको, शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले जो एक कंपनी है करती क्या है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये जो कंपनी है FMCG की बहुत बेहतरीन कंपनी है। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं विजन, ये क्या है। FMCG के जो प्रोडक्ट बनते हैं ना, HUL, ITC, गोदरेज, US पोलो, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है ना, उसके लिए ये काम करती है, उनके लिए प्रोडक्ट बनाती है। और जो प्रोडक्ट खुद बनाएगी तो उसका आप जान सकते हैं कि उसका प्रॉफिट कितना होगा। तो देखिए विजन, देखिए टू बिकम द इंडियाज लार्जेस्ट FMCG कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चर बनाने का इनका सबसे बड़ा FMCG का ये वो बनना चाहता है कि हाँ हम सबसे बड़े दिग्गज बने, कि हमारे पास ही ऑर्डर आए, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिले मैन्युफैक्चर के। तो ऐसा इनका विजन है। और देखिए मिशन क्या, टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशन फॉर द FMCG सेक्टर। तो मैं बताना चाहता हूँ, सारे बड़े बड़े शेयर जो मार्केट में लिस्ट हैं, जो बड़े बड़े प्रोडक्ट, जो बड़ी बड़ी कंपनी, उसके लिए ये कंपनी काम करती है, प्रोडक्ट बना के देती है। तो काफ़ी बेहतरीन। देखिए यहाँ पर देखिए आप जायडस दिख रहा है, ओके, जॉनसन दिख रहा है, अरविंद दिख रहा है, हेक्टर दिख रहा है, ITC दिख रहा है, इमामी दिख रहा है, बाटा दिख रहा है, ओके, एज वेल एज मैरिको आपको दिख रहा है, गोदरेज, GSK, हिमालया, गैबर, विप्रो, बॉम्बे शेविंग, पेप्सिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो मैंने आपको बताया ना, सारी बड़ी बड़ी कंपनीज इसी से अपना प्रोडक्ट बनाती है, और ये कंपनी प्रोडक्ट बना के इसे देती है, और इसके और बड़ी बड़ी कंपनी के नाम से ये प्रोडक्ट बनते हैं। तो इनको डायरेक्टली प्रॉफिट होता है, ओके। तो किस किस सेक्टर में काम करती है, तो देखिए ताजमहल टी ये बनाती है, ब्रू, इंस्टेंट कॉफ़ी, 3 रोज, बॉम्बे शेविंग, सनसिल्क, क्लिनिक प्लस, संतूर, मतलब क्या नहीं बनाती ये कंपनी। नॉर सूप, पेपर, आपने देखी एरो, US पोलो, रिन, सर्फ एक्सल, व्हील, कंफर्ट, डेटॉल, सारा प्रोडक्ट बनाती है, होम केयर का, लेदर का, ओके, पर्सनल केयर, फूड बेवरेज। आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा, मैं कंपनी का नाम और सब कुछ आप देखिए नज़र भी आ रहा है, फिर भी बता देता हूँ, अभी आगे चल के बता देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका, और ये कंपनी केवल ये मैन्युफैक्चरर का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं लिखती, एज वेल एज देखिए ये R&D भी करती है, एनालिस भी करती है, ओके, बहुत सारी चीज़ें करती है। आप यहाँ पर देखेंगे पैकेजिंग डेवलपमेंट, वेंडर डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, R&D, लाइसेंसिंग एंड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। तो ये कंपनी का जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस है वो बेहतरीन है। बड़े बड़े इस कंपनी इनकी क्लाइंट है, तो इस कंपनी को बहुत बेहतरीन प्रॉफिट इसी की वजह से होता है कि ये HUL को भी पीछे छोड़ देता है रिटर्न के मामले में। हम देखते हैं, अब देखिए रिटर्न देख लेते हैं। सॉरी, ये देखिए कंपनी का नाम हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड है, ओके,
आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे देखिए BSE पे आपको लंबा चार्ट मिलेगा, NSE पे ये 2019 में लिस्ट हुई थी तो आपको छोटा चार्ट दिखेगा, बट फिर भी आपको अगर रिटर्न्स के मामले में दिखाऊँ ना, देखिए पहली बात तो यहीं पर ही, यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या बेहतरीन रिटर्न है, 126% के रिटर्न। क्या एक्चुअल देगा? एक्चुअल ने इस तरीके के रिटर्न नहीं दिए। और मैक्सिमम अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम रिटर्न देखिए ₹5 का 2012 में जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी, तब से अगर हम रिटर्न देखें ना तो 1700 से 1800% के रिटर्न हमें साफ नज़र आते हैं यहाँ पर, 18,000% के रिटर्न। तो ये कंपनी आपको 2012 मतलब 8 साल के अंदर अंदर 18,000% के रिटर्न दे रही है। तो कंपनी में कितना पावर होगी वो आप देख सकते हैं। ओके, तो एक्चुअल से भी अगर कंपेयर करूँ तो देखिए एक्चुअल का ये मैक्सिमम चार्ट पैटर्न है, और 2012 से जो कंपनी है लिस्ट हुई हम 2012 से लेके चलेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2012 यहाँ पर आ गया 2012, तो यहाँ हम 2012 से देख लेते हैं। तो 2012 से कंपनी के जो मैक्सिमम रिटर्न्स है अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कितना, 400-500% के रिटर्न कह सकते हैं कि इतने ही परसेंट के रिटर्न, बट वो कंपनी कितना दे रही है, 18,000% के रिटर्न। एक्चुअल को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, बट एक्चुअल एक दिग्गज शेयर माना जाता है, और एक्चुअल को तो क्या है, इसके क्लाइंट है, और मैक्सिमम भी देखिए 1300% के रिटर्न ये दे रहा है, बट वो कितना, 18,000% के रिटर्न केवल आपको 8 साल में दिए। तो आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते, ऐसी कंपनी ही हमें अच्छा बनाती है। आपको मैं शेयर बता रहा हूँ कि क्या नाम है, हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड, बहुत बेहतरीन, बड़े बड़े क्लाइंट, सब कुछ अच्छा है इस कंपनी का, तो आप इसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं। एज वेल एज अगर हम इसके बैलेंस शीट और सब कुछ देख लेते हैं, देखिए मार्केट कैपिटल स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी में मैं हमेशा कहता हूँ कि छोटा क्वांटिटी ही लेनी चाहिए, बट जिस तरीके से ये रिटर्न्स आपको दे रही है तो मुझे लगता है कि अगर आप इसमें दाव भी खेल सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछेगा पहले। ओके, बट ये कंपनी इतनी ज़बरदस्त लगती है कि आप इसमें अच्छा खासा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। PE 73 अच्छा शेयर है, तो 73 के PE पे मिलेगी। ओके, एज वेल एज अगर हम इसकी बात करें तो देखिए कंपनी के CAGR जो मैं आपको बता रहा, 30% हो तो काफ़ी अच्छा होता है। कंपनी 5 साल से 55% के CAGR पे चल रही है। ओके, सेल्स ग्रोथ देखिए 10 साल में लगभग 60% का सेल्स ग्रोथ बढ़ चुका है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, हमेशा ही अच्छे क्वार्टर के रिजल्ट्स देती आई है। अगर हम देखें सेल्स की बात तो देखिए कंपनी 26,000 करोड़ के सेल्स के आज मतलब 3 साल के अंदर अंदर कितना, 318 करोड़ के सेल्स पे है। एक्सपेंस की बात की जाए तो एक्सपेंस तो ऑब्वियसली उसी हिसाब से होते हैं। प्रॉफिट देख लेते हैं तो नेट प्रॉफिट देखिए, जहाँ 1 करोड़ का प्रॉफिट होता था वहाँ 8 करोड़ रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर क्वार्टरली वाइज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। EPS 3.94 का। सेल्स की बात की जाए अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करते हैं तो 4 करोड़ रुपये 2008-09 में 4 करोड़ रुपये की सेल्स थी, और अभी लगभग 975 करोड़ रुपये की सेल्स आपको होती हुई नज़र आ रही है। एक्सपेंस उसी हिसाब से है। प्रॉफिट देख लीजिए, जहाँ पर कंपनी नेगेटिव में प्रॉफिट दे रही थी वहाँ पॉजिटिव से करते 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 लगभग 26,000 करोड़ के इनके प्रॉफिट है। EPS की बात की जाए तो 14 का EPS यहाँ पर दिखा रहा है इस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बैलेंस शीट पे देख लेते, देखिए बैलेंस शीट में रिजर्व देखिए नेगेटिव थे, नेगेटिव से होते 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 2009 से लगभग 11 साल के अंदर अंदर कंपनी 180 करोड़ के रिजर्व्स पर बैठी हुई है। इतने बेहतरीन रिजर्व्स है। बोरोइंग की बात की जाए तो कंपनी के पास कभी 9 करोड़ का बोरोइंग थी, बट बोरोइंग कंटिन्यूस बढ़ती जा रही है, लगभग 158 करोड़ रुपये की बोरोइंग। बट स्मॉल कैप कंपनी है, बताया है कि छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी, और इसके क्लाइंट कितने हैं, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, तो ऑब्वियसली बात है पहले प्रोडक्ट बना के बनाएगी उसके लिए खर्चा लगता है, तो इसलिए बोरोइंग है, और आगे चल के वो प्रोडक्ट बेचती है तो आता है, तो आगे चल के मुझे लगता है कि ये कंपनी अपना बोरोइंग पूरा चुका सकती है, और क्योंकि काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर हमें कंपनी नज़र आ रही है। एसेट की बात किया, 10 करोड़ के एसेट आज 578 करोड़ रुपये के एसेट है। ROCE की बात की जाए तो देखिए 18 का ROCE है। प्रमोटर्स की होल्डिंग, जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, कंपनी के 60 मतलब 2017 में 60.4% की शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डर्स के पास इतनी परसेंटेज के शेयर थे, और अभी लगभग 62, तो कंपनी के शेयर होल्डर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे। फॉरेन इन्वेस्टर देखिए, कभी फॉरेन इन्वेस्टर 2017 में कुछ भी नहीं थे, बट 2019 में जैसे ही इसकी ग्रोथ दिखी तो देखिए 9-10 थोड़ा कम कर दिया है, तो लगभग फिर भी 6% 7% की हिस्सेदारी फॉरेन इन्वेस्टर्स की है। DIS की बात की जाए तो DIS में देखिए
6.06 से लगभग अभी 7% की 8% की हिस्सेदारी यहाँ बढ़ा दिया, जो हमेशा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बढ़ाते जा रहे हैं। पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक देखिए अच्छे शेयर में निकल जाती है, 40% की हिस्सेदारी थी अभी 23% की हिस्सेदारी है। तो यहाँ पर अगर पब्लिक में भी बात की जाए ना, तो पब्लिक में देखिए बड़े बड़े शेयर्स लगभग 3% की, 4-5% की, 2-2.5% की, 1.5-1% की हिस्सेदारी इन लोगों ने ले रखी है पब्लिक में भी, और रिटेल इन्वेस्टर के पास केवल थोड़ी सी हिस्सेदारी यहाँ पर बचती है। तो इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये शेयर देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, बढ़ती भी तेज है भाग, जो जैसे कि रिटर्न दिए 13-18% के, तो घटती भी उसी तरीके से है। बट जिस तरीके का इनका बिजनेस है, जिस तरीके के बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन है, पर जिस तरीके के इनकी क्लाइंट है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी वो HUL, जो HUL है ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसके भी क्रॉस कर जाएगी, इसके मार्केट कैपिटल को भी क्रॉस कर सकती है। इसके बिजनेस, इसके रिटर्न के मामले में तो आप देख ही रहे हैं, इससे बेहतरीन है ही। तो इसलिए इस कंपनी का नाम बजाज हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है हिंदुस्तान फूड लिमिटेड, तो आप इसकी कंपनी की तरफ ध्यान दे सकते हैं, बहुत बेहतरीन कंपनी हमें नज़र आती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज अगर अकाउंट ओपन कराना हो तो आप एंजल ब्रोकिंग के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एज वेल एज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।